जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टिक्स के ऊपर कि आखिर में प्लास्टिक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की प्लास्टिक्स होती है, एंड फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहली बात, जो प्लास्टिक आखिर में होती क्या है। तो जो प्लास्टिक है, हमारा एक हाई पॉलीमर होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लास्टिक्स आर हाई पॉलीमर जिनको हम हमारे जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, तो देखना इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पर दी गई है वो क्या है कि प्लास्टिक्स आर द हाई पॉलीमर्स दैट कैन बी मोल्डेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। मींस जो भी प्लास्टिक जिस भी शेप और साइज का हमें रिक्वायर है, उस डिजायर्ड शेप में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। किसकी मदद से, मींस टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से। ठीक है, ध्यान देना, ड्यूरिंग मोल्डिंग प्रोसेस जब हम मोल्डिंग कराते हैं, मीन्स जो भी डिजायर्ड शेप हमें चाहिए प्लास्टिक का, उस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, इसमें इसकी जो केमिकल है उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ध्यान देना, जो प्लास्टिक से उनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर इन द सेंस मीन्स प्लास्टिक्स के अंदर ऐसे फंक्शनल ग्रुप का यूज होता है जिनकी फंक्शनलिटी कितनी होती है, टू होती है, या बोल सकते हैं उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप यूज हुए हैं उसमें केवल और केवल दो ही बॉन्डिंग साइट प्रेजेंट हो, जैसे कि इथाइलीन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, डेट इज पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, नाइलोन्स, पॉलिस्टर्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे किसके, प्लास्टिक्स के। अब देखते हैं कि आखिर में प्लास्टिक्स कितने टाइप्स की होती है। तो प्लास्टिक्स हमारी दो टाइप्स की होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक एंड दूसरी होती है थर्मोसेट्स या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्मोप्लास्टिक्स की कि आखिर में थर्मोप्लास्टिक्स क्या होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है और क्या इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, जब हम इनको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे पॉलीमर होते हैं कि जब आप इनको हीट करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, एंड जब आप इसको कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो ये हार्ड हो जाएगा। ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी आपको। मीन्स अगर कोई पूछता है कि बताइए थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, तो थर्मोप्लास्टिक हमारी इस प्रकार की या ऐसी प्लास्टिक है जो क्या होती है, गर्म करने पर तो सॉफ्ट हो जाती है, वहीं ठंडी करने पर हार्ड हो जाती है, और ये प्रोसेस को हम बहुत बार करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम यूं बोल सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक जो है उसके अंदर रिवर्सिबल चेंज आपको देखने को मिलेगा। मीन्स जैसे कि ये आपका कोई पॉलीमर था पी, जब मैंने आपको यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया। वहीं अगर मैं इसमें फिर टेम्परेचर अगर डिक्रीज करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ये एक बोल सकते हैं कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके अंदर हीटिंग के हिसाब से ये चेंज हो रही है, मीन्स इसका नेचर, दैट इज सॉफ्टनेस और हार्डनेस टेम्परेचर के हिसाब से हम कंट्रोल करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं पॉलीथाइलीन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, पम्मा, इन सारे एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर लिखे गए इनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जस्ट अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, थर्मोप्लास्टिक के हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, मीन्स जो थर्मोप्लास्टिक से उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना, जो थर्मोप्लास्टिक से हमारी एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनती है। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर बात करते हैं हम कंसिस्ट ऑफ लीनियर पॉलीमर चेन विथ नेग्लिजिबल क्रॉस लिंकिंग। अब जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये मैक्सिमम लीनियर पॉलीमर चेन होती है, मीन्स ऐसे बने होते हैं लीनियर में, इनके अंदर ब्रांचिंग जो है, क्रॉस लिंकिंग जो होती है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल ही नहीं होती है, मान लो। ठीक है, साथ में जो प्लास्टिक्स होते हैं, डेट इज थर्मोप्लास्टिक, वो सॉफ्ट होते हैं और लेस ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब आप इनको आसानी से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सॉफ्ट है मतलब इसको आप आसानी से नाइफ की मदद से काट सकते हैं। ऑलराइट,
जो थर्मोप्लास्टिक से हमारे ये सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, एनिलीन हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है। इनके अंदर ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, कौन, थर्मोप्लास्टिक। ध्यान देना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर, हेंस इनको हम किसी भी शेप के अंदर मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं बदलता हूँ कि मुझे इस प्रकार के कोई पॉलीथीन चाहिए इस शेप की, तो आप क्या करना, जो भी पॉलीथीन होगा उसका टेम्परेचर उसको बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको सॉफ्ट हो जाएगा, और इस मोल्ड के अंदर इसको फिल कर दोगे तो आपको जिस भी शेप का पॉलीमर चाहिए वैसा मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हुई होगी। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैन बी रीहीटेड एंड मोल्डेड इन इनटू एनी शेप रिवर्सिबली एनी नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट एनी केमिकल चेंज। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो थर्मोप्लास्टिक है इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, मीन्स इसका रीयूज पॉसिबल है। क्या होता है, सपोज ये कोई हमारा मटेरियल था थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ, बेकार हो गया, तो हम इसको क्या करवाते हैं, इसको रीमोल्डिंग करा देंगे, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करके इसको जैसा हमें चाहिए, जैसा शेप चाहिए उसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिर हमको ये नहीं चाहिए तो इसको हम दूसरे शेप में फिर से ले जा सकते हैं, मीन्स थर्मोप्लास्टिक को हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, रीयूजेबल है, या इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थर्मोप्लास्टिक आपको क्लियर हुई होगी क्या होती है और क्या इसके एग्जाम्पल है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की, या फिर थर्मोसेट्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेट्स, तीनों बात एक ही है, ठीक है। क्या होता है, थर्मोसेट्स के अंदर केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी हमने बात करी थी किसकी, थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक में केमिकल चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे थे, लेकिन थर्मोसेट्स में केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ में इसके अंदर क्रॉस लिंकिंग होती है, जब आप किसी पॉलीमर को हीट करोगे तो इसके अंदर क्रॉस लिंकिंग आपको देखने को मिलेगी, मीन्स बहुत सारे पॉलीमर्स जो रहेंगे वो 3D सिलिकेट, 3D नेचर का बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होता है कि इसके अंदर केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, साथ में इसके अंदर क्रॉस लिंकिंग होती है, वहीं थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्रॉस लिंकिंग नहीं होती थी, ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होती थी। ध्यान देना इसको हीट हम करते हैं, हीट करने पर इसके अंदर क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलती है, और ये परमानेंटली हार्ड हो जाता है जब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होता है, ये एक बार जब हम इसका जो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे या इसको कूल कर देंगे तो परमानेंटली हार्ड हो जाएगा, रिजिड और इनफ्यूजिबल हो जाता है, इसको हम फिर से सॉफ्ट नहीं बना सकते, ठीक है। मींस एक बार जब ये सेट हो गया, एक बार जो हार्ड हो गया तो परमानेंटली हार्ड हो जाता है, बार बार आप इसको गर्म कर सॉफ्ट नहीं कर सकते, ये एक ही बार सेट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इपोक्सी रेजिन और मेलामाइन बेकेलाइट, ठीक है। इन सबके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जस्ट आप यहाँ पर इनको ध्यान रखें, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको क्लियर हुई होगी, बात कर लेते हैं इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है और वो क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। थर्मो सेटिंग जो है या थर्मोसेट प्लास्टिक्स जो है हमारे, वो क्या है, मोस्टली फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऐसा पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें क्या होता है, कुछ छोटे से मोलिक्यूल्स हमारे इवॉल्व होते हैं, जब आपका कोई पॉलीमर बनेगा तो वहां से छोटा सा क्या होगा पॉलीमर, जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स वहां से इवॉल्व होते हैं या निकलते हैं, ठीक है। उस प्रकार के पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और डिटेल में आप इसको देख सकते हैं हमारी वीडियो को जो कि पहले ही हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मोस्टली ब्रांच्ड पॉलीमर चेन विद पोटेंशियल टू फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो होते हैं थर्मोसेटिंग रेजिन्स होते हैं, इनके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने की कैपेबिलिटी होती है, मीन्स ताकत होती है कि 3D स्ट्रक्चर बना सके किसका, पॉलीमर का, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बिकम हार्ड एंड रिजिड ऑन हीटिंग ड्यूरिंग मोल्डिंग प्रोसेस, जब आप इसको
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब मोल्ड कर रहे होते हैं, मीन्स जो भी डिजायर्ड शेप और साइज आपको चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ऑलराइट, एंड आर नॉट सुटेबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मीन्स ये जो है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जो जैसे एनिलीन हो गया, HO हो गया, अल्कोहल हो गया, इनके अंदर ये सोल्यूबल नहीं होते, वहीं थर्मोप्लास्टिक्स हमारे क्या थे, सोल्यूबल थे। ठीक है, एग्जिबिट देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन सॉफ्टनिंग एंड नॉन स्वेलिंग नेचर, हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी, ये ब्रिटलनेस शो करता है पहली बात, हार्डनेस भी शो करता है, मीन्स आसानी से हम इसको चाकू से नहीं काट सकते। हार्डनेस, ब्रिटल मीन्स आसानी से इसको हम क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, कंपैरिजन में काम आएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज ये एग्जिबिट करती है। एंड नेक्स्ट जो है क्या, कैन नॉट बी सॉफ्ट एंड रिफॉर्म्ड एंड रीशेप्ड वंस एज द सेट। ध्यान देना, ये एक ही बार यूज किया जा सकता है। आपसे कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी प्लास्टिक है जो कि जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो वो कौन सी प्लास्टिक थी, हमारी थर्मोप्लास्टिक, ना कि थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग को केवल और केवल हम एक ही बार यूज कर सकते हैं इसकी पूरी लाइफ में। ठीक है, एक ही बार इसमें जो भी डिजायर्ड शेप चाहिए वो दे सकते हैं, दूसरी बार पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है कि कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द वेस्ट, एक बार वेस्ट हो गया तो उसके बाद से इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर हुई होगी। हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्लास्टिक्स क्या होता है, फिर प्लास्टिक्स के हम लोगों ने टाइप्स देखे, उनके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों प्लास्टिक्स जो हमने डिस्कस करी, दैट इज क्या, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाले। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।